वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत रोज, कॉलम्स एंड शीट को हाइड और अनहाइड करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। मेरा कंप्यूटर भी ऑन है और एक्सेल मैंने खोल रखा है। इसमें मैंने एक डेटा रखा है सैंपल के तौर पर। ये वाली एक्सरसाइज हम बिना डेटा रखे भी कर सकते हैं। ओके, बिना डेटा के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। Origin RAM student name है ना, name of state B1, name of state qualification C1 qualification, ये आपको याद आ रहा होगा, पहले एक्सरसाइज में भी यही वाला डेटा था। name of student name A1, Origin RAM pal A2, ठीक है, student name A1। अभी हमारी सारी रोज, सारी कॉलम्स और सारी शीट्स सही सलामत हैं। इसमें तीन शीट्स हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। sheet 2 sheet 3 sheet 2 sheet 1, ठीक है, हमारे पास तीन शीट्स हैं। अब हाइड और अनहाइड कहाँ मिलेगा वो हम देख लेते हैं। name of student name A1, वहीं पर जाना आपको होम टैब में और फॉर्मेट वाले ऑप्शन में। चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। updates upper ribbon home tab, टैब से जाता हूँ मैं सेल वाले ग्रुप में। lower ribbon cut 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 last में cut format oriental set merge form the form style form cell cell delete group the format button drop down as pop up 3 of 3 format button follow. drop down इसके आगे editing group auto sum group sum split ये नहीं, ठीक है, इससे पहले sales group format button drop down as pop up 3 of 3 all follow delete group delete sales dot dot delete के बाद format button drop down as pop up 3 of 3 all follow format button है, drop down button है, इसलिए यहाँ पे space bar करना है। space menu leaving menus row height dot 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 remove, ठीक है, row height ये आप देख चुके हैं। auto fit row height alt, नहीं देखा तो आप जाइए वीडियो देखिए चैनल पे। column width dot 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 auto fit default hide and hide sub menu all followed by HOU hide और unhide सब मेन्यू यहाँ आया। इसे हम एक्सपैंड करेंगे राइट एरो प्रेस करके। हाइड रोज कंट्रोल 9 ऑल फॉलोड बाय HOU पहले आ रहा है। हाइड रोज, हाइड कॉलम्स कंट्रोल 0 हाइड शीट ऑल फॉलोड बाय HOUS हाइड रोज कंट्रोल शिफ्ट ऑल फॉलोड बाय HOU अनहाइड रोज हाइड कॉलम्स कंट्रोल शिफ्ट ऑल फॉलोड बाय HOUL अनहाइड कॉलम्स हाइड शीट डॉट डॉट नॉट अवेलेबल ऑल फॉलोड बाय HOUS अनअवेलेबल आ रहा है क्योंकि अभी कोई भी शीट हाइड है ही नहीं है। Hide rows control 9 alt followed by HOUR again वही आ गया। तो हम space कर escape करके मैं बाहर आता हूँ। escape hide and escape 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 जो भी option आपको apply करना है वहाँ पे enter करना है, लेकिन उससे पहले आपको selection देना है। Excel को पता होना चाहिए कहाँ पर जो भी हमने command दिया है वो command कहाँ पर apply करना है, ये चीज Excel को selection से ही पता चलता है। first cell है ना, तो मान लीजिए Arjun Rampal A2 मुझे दूसरी रो को हाइड करना है। Utter Pradesh B2 है ना, Arjun Rampal A2 Raj Malhotra A3 Arjun Rampal A2 मुझे दूसरी रो को हाइड करना है, तो पहले मैं पूरी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। Selected entire row select A2 Arjun Rampal XFD2 blank, अब वही चलना है। Alt H प्रेस किया। Alt H upper ribbon home tab 1 of 7 alt followed by H, मैं शॉर्ट कमांड यूज करूंगा O O menu leaving menus row height dot 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 remove, वहीं पर आ चुके हैं। auto column auto fit column default width hide and hide sub menu alt followed by H okay down arrow आया मैं, इसको expand किया right arrow से। hide rows control 9 alt followed by HOUR पहले ही option आ रहा है hide rows, यहाँ पे enter press कर देता हूँ मैं simple। enter leaving menus selected range A2 Arjun Rampal XFD2 blank, देखते हैं हुआ क्या। student name A1 A1 तो है हमारे पास। Raj Malhotra A3 इसके बाद मैंने down arrow किया तो सीधा तीसरी row आ रही है, यानी दूसरी रो हाइड हो चुकी है। Mac intermediate length D3 देखिए length D1 है ना, length D3 length D1 D2 नहीं आ रहा है, दूसरी रो हमारी हाइड हो चुकी है ना। qualified name of state B1 अब इसी प्रकार मान लीजिए ये कॉलम हाइड करना है मुझे, है ना। student name of state B1 qualified name of state B1 तो सिंपल कॉलम को सेलेक्ट करिए, दूसरा कॉलम B वाले कॉलम को मैं हाइड कर रहा हूँ। Selected entire column, select B1, name of state B1,048,576, alt H, upper ribbon, home tab 1 of, O press kiya, O, menu, leaving menus, row, auto, column, auto, fit, default width, hide and unhide, sub menu, alt followed by H, O, U, ठीक है,
एक्सपैंड किया। Hide rows, control 9, alt, rows को हमने हाइड कर लिया। Hide columns, control 0, alt followed by H, O, U, C. Hide columns, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँ मैं। Enter, leaving menus, selected range, B1, name of state, B1,048,576, length. देखते हैं हुआ कि नहीं। Student name, A1. A1 तो है, A वाला कॉलम है हमारे पास। Qualification, C1. अब सीधा C1 आ रहा है देखिए, B1 हाइड हो चुका है, ओके? इस तरीके से हम रोज और कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। और हाँ, आप शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं, वहां अगर नहीं जाना, आपने सिंपल मान लीजिए दूसरी रो को हाइड करना है, चलिए मैं तीसरी रो को हाइड करता हूँ, देखिए। इंटरमीडिएट C3 राज मल्होत्रा फर्स्ट सेल स्टूडेंट नेम राज मल्होत्रा A3, मान लीजिए मुझे A3 को हाइड करना है, तो मैंने सिलेक्ट किया रो को, सिलेक्टेड एंटायर रो, सिलेक्ट A3 राज मल्होत्रा XFD3 लेंथ। अब मैं शॉर्ट कमांड दूंगा Ctrl+9, कंट्रोल 9, देखते हैं हुआ कि नहीं। स्टूडेंट नेम A1, पहली रो है Rattle, A4. देखिए अब सीधे चौथी रो आ रही है, दूसरी और तीसरी रो हाइड हो चुकी है ना। इस तरीके से आप शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट नेम A1, क्वालिफिकेशन C1, आप कॉलम के लिए भी शॉर्ट कमांड यूज कर सकते हैं। लेंथ D1, क्वालिफिकेशन C1, मान लीजिए मुझे ये सी वाला कॉलम हाइड करना है, चलिए मैं इसको हाइड करता हूँ, कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड एंटायर कॉलम, सिलेक्ट C1, क्वालिफिकेशन C1,048,576, इसके लिए हमें शॉर्ट कमांड यूज करना है कंट्रोल के साथ 0, Ctrl+0 प्रेस किया मैंने, देखते हैं होता कि नहीं। कंट्रोल 0, देखते हैं स्टूडेंट नेम A1, A1 तो है, लेंथ D1, देखिए अब सीधा D कॉलम आ रहा है, हमारा बस एक ही बचा है स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट नेम वाले कॉलम बचा है, स्टूडेंट नेम A1, डेटा के तौर पर देखें तो लेंथ D1 है ना, D आ रहा है सीधा, लेंथ E1, लेंथ D1, स्टूडेंट नेम। इस तरीके से आप शॉर्ट कमांड यूज कर सकते हैं। लेंथ D1, अब मान लीजिए मुझे शीट हाइड करनी है, तो शीट के लिए वहीं चलते हैं हम, Alt H, upper ribbon, O, menu, leaving menus, row height, .. to move through height, auto, column, auto, default width, height and height, sub menu, alt followed by H, O, U. यहाँ पे right arrow. Height rows, control, height, height and height and height and height, row, height sheet, alt followed by H, O, U, S. Height sheet आया. Height columns, control, height columns के बाद. Height sheet, alt followed by H, O, U, S. Height sheets, यहाँ पे enter press कर देना है. Enter, sheet 2, length A1, leaving menus. हमारा कर्सर शीट 2 पे आ चुका है, length A1. अब नहीं हमारे पास शीट 1, देखिए मैं दिखा देता हूँ, शीट 3, बस और कुछ भी नहीं है, शीट 2, length A1. देखिए कुछ भी नहीं है, है ना, तो हमारी शीट्स भी हाइड हो चुकी हैं। शीट 3, शीट 2, length A1. मान लीजिए मैं शीट 2 को भी हाइड कर देता हूँ, चलिए इसको भी हाइड कर देते हैं। Alt H, upper ribbon, O, menu, leaving, auto. Auto, default width, height and height, height row, height, height and height sheet, alt followed by H, O, U, S. यहाँ पे एंटर कर देते हैं। Enter, sheet 3, length A1, leaving menus. अब देखिए हमारे पास केवल sheet 3 बची है, एक ही बचा A1. है ना, कुछ नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपने रोज और कॉलम्स और शीट को हाइड करना है, अगर आपको जरूरत है तो, है ना। अब चलिए हम इन सबको अनहाइड करते हैं। सबसे पहले हम शीट्स को अनहाइड करते हैं, ऑल्ट एच प्रेस किया, Alt H, upper ribbon, home tab 1 of 7, alt followed by H. Or O. O, menu, leaving menu, auto, column, auto, default, hide and hide, sub menu, alt, hide rows, control 9, alt follow. Hide and hide rows, control. Unhide करना है हमें, अभी rows नहीं. Unhide columns, unhide sheets, .. alt followed by H, O, U, H. Unhide sheets, पहले ये unavailable आ रहा था, अभी unavailable नहीं आ रहा है, क्योंकि अब hidden sheets है हमारे पास. यहाँ पे enter press करना है. Enter menu and hide dialog and hide sheet colon list box sheet 1 of 2 to move to an item press the arrow keys alt U. देखा आपने, जैसे हमने वहां पे एंटर किया एक डायलॉग बॉक्स खुला है जिसमें वो सारी शीट्स की लिस्ट है जो हमने हाइड किया है। मैं अप एंड डाउन एरो प्रेस करता हूँ, sheet 2, 2 of 2, sheet 2, sheet 1, 1 of 2, sheet 1, है ना। तो जिस शीट को भी आपको हाइड करना है, अनहाइड करना है, वहां पे कर्सर रखना है, मान लीजिए मुझे 1 करना है, sheet 1, 1 of 2, और एक बार टैब प्रेस करना है, ओके बटन टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस बार, ओके बटन पे स्पेस बार कर देना है, स्पेस sheet 1, length D1, देखिए sheet 1 आ चुका है हमारे पास, फर्स्ट सेल स्टूडेंट नेम A1, है ना, length D1, रोज और कॉलम जिसकी हाइड हो रखी है। अब हम sheet 2 को अनहाइड करते हैं, चलते हैं वहां पे, Alt H, upper ribbon, home, O, menu, leaving menus, row, height, .. auto, column, auto, default, width, height, and height, sub menu, height, row, height,
And I columns can, and I key dot 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 alt followed by H O U H. Enter press kiya. Enter. Menu and I dialog and I key colon list box. Sheet 2, 1 of 1. To move to an item, press the arrow keys. All you. अब देखिए, हमारे पास एक ही sheet है, बता रहे हैं, है ना? तो simple tab press किया. Okay button to activate press space bar. Okay पे space bar या फिर enter कर देते हैं. Enter sheet 2, blank A1. देखिए sheet 2 भी आ गई हमारे पास. Sheet 3, blank sheet 2, blank sheet 1, blank B1. तो sheets अब हमारे पास सही सलामत वापस आ चुकी हैं. अब बारी है रोज और कॉलम्स की, इनको अनहाइड करते हैं, है ना? First cell, student name, A1, rattle, A4. अब मान लीजिए मुझे पहले रो को अनहाइड करना है, जो हमने दूसरी और तीसरी रो को अनहाइड किया है, हाइड किया है, इनको अनहाइड करना है. अब तो कैसे अनहाइड करेंगे? सिंपल सा आपके माइंड में आ रहा होगा कि वहां पर जाके अनहाइड पे एंटर कर देंगे. चलिए देख लेते हैं. Karen, A5, rattle, A4. है ना? Student name A1. Rattle A4. Student name A1. तो चलिए चलते हैं. लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि अभी मैं सिलेक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिलेक्शन दूंगा किसको. Rattle A4. Student name A1. वाले रो है ही नहीं है जिनको अनहाइड करना है. तो चलते हैं क्या होता है. Alt H, upper ribbon, home tab, O, menu, leaving menus, row by dot dot dot, to move through items, press up or down arrow, alt followed by H, O, auto, column, auto fit, default width, dot, hide and unhide sub menu, alt followed by H, hide rows, control not, hide columns, control, hide sheet, unhide rows, control shift, alt followed by H, O, U, O. हमें rows को unhide करना है ना, तो मैं यहाँ पे enter कर देता हूँ, rows. Unhide rows, control shift. Unhide rows, देखते हैं क्या होता है. Enter, leaving menus, student name, A1. देखते हैं हुआ क्या. Rattle, A4. देखिए अभी भी A4 आ रहा है. कुछ भी नहीं हुआ, हमारा हमारी रोज वापस आई नहीं, है ना. Student name A1, blank D1. Student name A1. इसी प्रकार कॉलम्स को देख लेते हैं. Alt H, upper ribbon, home, O, menu, leaving, auto, column, auto, default, hide and unhide, hide, unhide, unhide columns, control shift, alt followed by H, O, U, L. Unhide columns पे एंटर करता हूँ. Enter, leaving menus, student name A1. देखते हैं हमारे कॉलम्स वापस आए क्या. Blank D1, student name A1. नहीं, कॉलम्स वापस नहीं आए, है ना. तो यहां पर थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा अनहाइड करने के, रोज और कॉलम्स को अनहाइड करने के लिए. शीट को अनहाइड करना तो सिंपल है, जैसे हमने हाइड किया वैसे जाके अनहाइड कर लेते हैं. लेकिन रोज और कॉलम्स को अनहाइड करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. तो चलते करते हैं, देखते हैं कैसे होता है. मान लीजिए मुझे तीनों रोज को वापस लानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रो हमें अनहाइड करना है उससे उससे पहले की और उससे बाद वाली रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा. हमें दो रो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना. यानी अभी जैसे मुझे दूसरी और तीसरी को अनहाइड करना है, तो मुझे पहली और चौथी रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं. मैं सिलेक्शन देता हूं दोनों रो को. Control shift right arrow, select A1, student name XFD1, select A1, student name XFD4, blank. है ना? अब चलते हैं वहां पर. Alt H, upper ribbon, home tab, O, menu, leaving menu, auto, column, auto, default, hide and rename sheet, hide and unhide, hide rows, hide, unhide rows, control shift, alt followed by H, O, O. यहां पे enter press कर देना है. Enter, leaving menus, selected range, A1, student name XFD4, blank. देखते हैं कुछ हुआ क्या. First cell, student name A1. A1. Arjun Rampal, A2. देखिए A2, दूसरी रो आ गई. Raj Malhotra, A3. और तीसरी रो भी आ गई, है ना. Blank D3. इस तरीके से आपने अनहाइड करना है, ट्रिक लगाना है. First cell, student name A1. अब मान लीजिए कॉलम्स को करना है. Blank D1. तो कॉलम्स भी उस सिंपल तरीके से नहीं हो रहे अनहाइड. Student name A1. तो इनके लिए भी वही करना है, जो कॉलम अनहाइड करना है उससे पहले का और उससे लास्ट वाला कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे अभी मुझे बी और सी को अनहाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए और डी को सिलेक्ट करूंगा, है ना. तो सिलेक्ट कर देता हूं मैं. Student name A1. Select Karen A5. Select A6. Select A1. Student name D6. चलते हैं वहां पे. Alt H, upper ribbon, home tab, one. O प्रेस करता हूं. O, menu. फॉर्मेट वाले ऑप्शन के लिए. Auto, column, auto, default width, hide and unhide sub menu, alt followed by H, O, U. यहाँ पे right arrow, expand किया, sub menu है. Hide rows, control 9. Columns को हमें unhide करना है. Hide, unhide row, unhide columns, control shift, alt followed by H, O, U, L. Unhide columns. Unhide columns, control. यहाँ पे enter press कर देते हैं. Enter, leaving menus, selected range, A1, student name, D6, blank.
है ना। name of state B1. देखिए क्या हुआ, student name A1, name of state B1, qualification C1, length D1, दोनों कॉलम्स हमारे सही सलामत वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, है ना। इस तरीके से आपको ट्रिक लगाना है कॉलम्स और रोज को अनहाइड करने के लिए, है ना। अभी देखिए हमने जब हमने हाइड किया था तो हमने एक एक हाइड किया था और अनहाइड हमने एक साथ कर लिया, तो आप हाइड भी एक साथ कर सकते हैं। जितनी भी रोज को आपको हाइड करना है सारी रोज को सिलेक्ट करिए और सीधे हाइड का कमांड दीजिए, या ऑप्शन में जाके या फिर कंट्रोल प्लस 9 और कॉलम्स के लिए। अगर कॉलम्स आपको बहुत सारे कॉलम्स एक साथ हाइड करना है तो जितने कॉलम्स को हाइड करना है सबको सिलेक्ट करिए और सीधे कमांड दीजिए कंट्रोल प्लस 0 या फिर फॉर्मेट बट वाले ऑप्शन में जाके फंक्शन में जाके आप उनको हाइड करिए। इस तरीके से आपने ये करना है। एक चीज और देखते हैं, मान लीजिए मुझे ए वाली पहली वाली रो को हाइड करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। सिलेक्ट किया पहली रो को, सिलेक्ट एन एंटायर रो, सिलेक्ट ए1, स्टूडेंट नेम एचएफ डी1, लेंथ, और चलते हैं वहां पे ऑल डेट अपर ओ मेन्यू लीव डिफॉल्ट विद हाइड एंड हाइड सब हाइड रोस कंट्रोल 9 ऑल फॉलोड बाय एच ओ यू आर, रो हाइड करना है तो हाइड रोस पे एंटर कर देते हैं, एंटर लीव इन मेन्यूज सिलेक्टेड रेंज ए1 स्टूडेंट नेम एचएफ डी1, देखिए मैंने एंटर किया अर्जुन रैम राज मल्होत्रा ए3 अर्जुन रैम पाल ए2, देखिए बस अब हमारे पास दूसरी रो है, पहली रो नहीं है, हाई स्कूल लैंड डी2 है ना, लैंड डी हाई स्कूल अदर अर्जुन रैम, देखिए तो हमारी कॉलम हेडिंग चली गई है, जो टेबल हेडिंग है, कॉलम हेडिंग हमारे पास एक भी नहीं है, सॉरी टेबल हेडिंग इसमें है नहीं डेटा में, जो स्टूडेंट नेम और स्टेट नेम और क्वालिफिकेशन वो सारे चले गए हैं, यानी पहली रो हमारे पास नहीं है, है ना। अभी से वापस कैसे लाएंगे, अब तो हमारे पास नहीं है, मान लीजिए मैं पहली दूसरी रो को सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन मैंने बोला था ना और पहली रो और लास्ट वाली रो को सिलेक्ट करना है अनहाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहली रो तो है ही नहीं है, लास्ट रो है दूसरी, पहली रो तो है ही नहीं है, है ना, तो कैसे आएगा। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी रो को सिलेक्ट कर देते हैं और अनहाइड हो जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्टेड एंटायर रो, सिलेक्ट ऑल डेट अपर ओ मेन्यू लीव कॉल ऑटो हाइड एंड हाइड सब कंट हाइड हाइड एंड हाइड कॉलम्स एंड हाइड रोस कंट्रोल शिफ्ट ऑल फॉलो बाय एंटर लीव इन मेन्यूज सिलेक्टेड रेंज ए2 अर्जुन रैम एचएफ डी2 अदर रेडिश अर्जुन रैम, देखिए नहीं है अदर रेडिश डी2, हमारी पहली वाली रो नहीं आ रही है अभी भी, हाई स्कूल सी2 अदर अर्जुन, तो करना क्या है, आपको ऑल सिलेक्शन का कमांड देना है ऐसी कंडीशन में, कंट्रोल ए प्रेस किया सिलेक्ट ए1 स्टूडेंट नेम सी5 एम ए, और वहां पे चलते हैं ऑल डेट अपर ओ मेन्यू लीव इन ऑटो ऑटो हाइड एंड हाइड 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 एंड हाइड रोस कंट्रोल शिफ्ट ऑल फॉलो बाय एच एंटर लीव इन मेन्यूज सिलेक्टेड रेंज ए1 राज मैप अर्जुन रैम स्टूडेंट नेम ए1, अब आ गया है। इस कंडीशन में आपने ऑल सिलेक्शन का कमांड देना है कंट्रोल प्लस ए, नेम ऑफ स्टेट क्वालिफिकेशन सी1 लैंड डी1, देखिए अब पहले रो आ चुकी है। इसी प्रकार name, कॉलम को, पहले कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड एंटायर कॉलम सिलेक्ट ए1 स्टूडेंट नेम ऑल डेट अप ओ मेन्यू लीविंग ऑटो डिफॉल्ट विद हाइड एंड हाइड हाइड एंड हाइड रो हाइड हाइड कॉलम्स कंट्रोल 0 ऑल एंटर लीविंग मेन्यूज सिलेक्ट नेम ऑफ स्टेट अदर रेडिश डी2 नेम ऑफ स्टेट डी1, आप देखिए इसको भी पहले कॉलम को भी सिलेक्ट करने के अनहाइड करने के लिए हमें क्वालिफाइड नेम ऑफ स्टेट डी1, देखिए बी1 है, ए वाला कॉलम हाइड हो चुका है, इसके लिए भी हमें ऑल सिलेक्शन का कमांड देना पड़ेगा, सिलेक्ट ए1 दिया और सीधा वहां चले अपर ओ मेन्यू लीव ऑटो डिफॉल्ट हाइड हाइड रोस हाइड हाइड एंड हाइड एंड हाइड कॉलम्स कंट्रोल शिफ्ट एंड हाइड कॉलम्स एंटर किया एंटर लीव इन मेन्यूज सो क्वालिफाइड नेम ऑफ स्टेट बी1, देखिए आ चुका है स्टूडेंट नेम ए1, पहला कॉलम भी हमारे पास आ चुका है ना। इस तरीके से आपको करना है, और हाँ अब शॉर्ट कमांड भी अनहाइड करने के लिए भी शॉर्ट कमांड है, रोज को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ 9 और कॉलम्स को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ 0, है ना। तो ये आप कमांड याद रखिए, शॉर्ट कमांड, जिससे आपको वहां पे जाना ना पड़े। तो इस तरीके से आपने रोज कॉलम्स और शीट को हाइड और अनहाइड करना है। ओके आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, अगर ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना।
भूलना नहीं आपको, ओके? तो आज के लिए थैंक यू सो मच।